हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंट पर। तो जब भी मैं इस टाइप का वीडियो बनाता हूँ, सच बता रहा हूँ, मेरी आत्मा रोती है। सही बता रहा हूँ, मैं इतने दिन से वीडियो कवरेज दे रहा हूँ, लेकिन मैं हमेशा भगवान से यही मनाता हूँ कि मैं कभी इस टाइप की वीडियो ना बनाऊँ कि जिसमें ये जिक्र हो कि पेपर आउट हुआ है। क्योंकि पेपर आउट होने में बच्चों का 4 से 5 महीने का समय, उनका करंट अफेयर 5 महीने 6 महीने का, साथ में वो जो पेपर देने जाते हैं उनकी मेहनत, और उसके साथ में उनके माँ बाप का खर्च किया हुआ पैसा, ये जो है गरीब बच्चे, जो बच्चे ईमानदारी से पढ़कर पेपर देने जाते हैं उनके साथ ये विश्वासघात नहीं होना चाहिए। सीधी सी सिंपल सी बात है, मत कराओ पेपर, कोई जरूरी नहीं। आप ऐसे भी वैकेंसी नहीं निकाल रहे हो, मत करवाओ, इसका भी पेपर मत करो, करवाओ ही ना जगह अगर आपको ऐसे पेपर करवाना। मैंने अभी थोड़ी देर पहले, मैंने 2 घंटे पहले मैंने फर्स्ट शिफ्ट का पेपर जो है रिवील किया था, और मैंने कहा था कि किस तरीके से धांधली हुई है। फिर कुछ बच्चों ने नीचे कहा, कमेंट किया कि नहीं, हो सकता है कुछ बच्चे बाहर लेकर चले आए हों पेपर को गलती से। ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पेपर में एक भी जगह पर टिक नहीं लगी हुई थी। और भाई कोई भी बच्चा पेपर देने जाएगा, जाहिर सी बात है एक आधा टिक तो करेगा ही करेगा, इसका मतलब वो पेपर पहले से ही लीक हुआ था। अब चलिए सेकंड पेपर की हम बात करते हैं। अब दरअसल जो बच्चे सेकंड पेपर देने गए थे, वो बच्चे हमें बताएंगे क्या ये क्वेश्चंस एग्जाम में आए थे कि नहीं आए थे। क्वेश्चन नंबर 9, निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में स्थित पक्षी अभयारण्य राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, यानी जो भरतपुर है इसका क्या है, केवला देव घाना पक्षी। ये सब क्लियर है। आप ये बताइए क्या ये क्वेश्चन आया था कि माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किसने की थी। कितना क्लीन पेपर, एक भी जगह टिक नहीं लगा हुआ है, ये गलती से पेपर बाहर नहीं आए हैं, ठीक है। याद रखिएगा आप लोग, आप लोगों के मतलब क्या है, आपके भविष्य के साथ कैसा खिलवाड़ हो रहा है, ये फिर आप सभी लोग समझ सकते हो या फिर मैं समझ सकता हूं थोड़ा बहुत, ठीक है। यहां पर आप देखिए मैथ का नीचे क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या ये क्वेश्चन आए थे कि नहीं, कमेंट करके बताइए। इन सभी के बारे में हम लोग कल डिस्कस करेंगे, कल देखेंगे क्या चीजें हुई थी, कैसी हुई थी। आज जो है सिर्फ आपको मैं बता रहा हूं कि कैसे खिलवाड़ हो रहा है, और आप लोग इसको सब्सक्राइब करिए। बच्चों को जोड़ना है कल से, और कल से हम लोगों को इनके खिलाफ बोलना है। बोलोगे नहीं, अभी टीजीटी का पेपर आउट हुआ, पेट का पेपर आउट हुआ, क्यों करवा रहे हो ऑफलाइन पेपर जब आपके बस की कुछ है नहीं, पेपर सब आउट हुए जा रहे हैं। तो पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप इस चैनल से जुड़ना चाहते हो तो, ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाइए। कल की हम लोग कल देखेंगे, आज पेपर आउट है ये आप निश्चित मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।